हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का अपन सेकंड टाइप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कि टाइप फर्स्ट आप लोगों ने समझी है और वो आपको अच्छे से समझ में भी आया है। तो अब शुरू करते हैं टाइप नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर सेकेंड में जो भी अपन ने क्वेश्चन लिए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से किए गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन अपन बारीकी से और कंसेप्ट से अपन समझेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट टाइम अपन 10 क्वेश्चन कर चुके थे, अब अपना 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे ताकि 5% का लाभ हो। दोस्तों मैंने हमेशा एक बात कही है कि अगर अपने पास नॉर्मल परसेंट है, जैसे 5% है, ये नॉर्मल परसेंट है, अगर अपने पास इसके अलावा जैसे इस प्रकार की कोई लाभ या हानि आती है तब तो थोड़ा सा अपन चेंजिंग करेंगे कंसेप्ट में। बाकी अगर नॉर्मल प्रतिशत है तो बिल्कुल क्रय मूल्य को 100 मानकर अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां ये कह रहा है कि 1140 रुपए में बेचने पर 5% का क्या होगी, हानि। तो मैं यहां क्रय मूल्य कितना मान लूं दोस्तों, 100। और ये कह रहा है कि 1140 में बेचने पर इसको 5% की हानि होगी। अगर अपन क्रय मूल्य 100 मानकर चल रहे हैं और इस पर अगर अपने को 5% हानि हो रही है, दोस्तों यहां माइनस में हानि को प्रदर्शित कर रहा हूं और प्लस लाभ को, ठीक है ना। तो यहां 100 पर 5% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 95 रुपए में। अब ये कहता है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो, 5% का लाभ। अगर आप इसको 5% लाभ पर बेचेंगे तो ये कितने में बिकेगा दोस्तों, 105 रुपए में। ये वैल्यू कब रही, जब अपन ने क्रय मूल्य कितना मान के चले, 100। लेकिन कह रहा है कि जब हानि हो रही है तब उसको कितने में बेच रहा है, 1140 रुपए में। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जब हानि हो रही है तो 1140 में बेच रहा है, लेकिन यहां पर कितने में बेच रहा है दोस्तों, हानि पर, 95 रुपए में। तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो बता रहा है 1140 और आप कितना बता रहे हो, 95। देखिए 1140 5% हानि का विक्रय मूल्य है और यहां पर 95 रुपए भी 5% हानि का विक्रय मूल्य है। अब आपको चाहिए क्या, 5% का लाभ। तो 5% का लाभ में कितने में बेचा दोस्तों, 105 रुपए में। तो आप गुणा कर देंगे 105। अब आपको इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर आप यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 और यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अगर आप 19 को डिवाइड करेंगे यहां से तो 6 और 0 60 बार चल जाएगा, और 60 को आप 21 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1260 रुपए। तो दोस्तों 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा, 1260 रुपए में। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक रेडियो को 1080 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 16 से ही 2/3% का लाभ हो। तो दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस चेंजिंग इसने ये की है कि यहां पर जो दर है वो कितनी दे दी है, 16 से ही 2/3%। तो देखो दोनों तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं मान लेता हूं कि यहां पर क्रय मूल्य कितना है, 100, और वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है, 10%। अगर आप इसको 10% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे दोस्तों, 90 रुपए में। अब ये कह रहा है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे कि कितने का लाभ हो, 16 से ही 2/3% का। तो 16 से ही 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसको कितने बेचेंगे, तो 100 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 116 से ही 2/3 रुपए में। देखो बिल्कुल सेम ही है। अब ये कह रहा है कि उसको कितने में बेचा था, 1080 रुपए में, तब उसको 10% की हानि हो रही थी। मतलब 10% हानि के लिए विक्रय मूल्य ये कितना बता रहा है, 1080 रुपए, और अपन कितना बता रहे हैं, 90 रुपए, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को लाभ चाहिए 16 से ही 2/3% का, तो कितने में बेचा था, 116 से ही 2/3, तो आप इसको 116 से ही 2/3 गुणा में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 9 से आप यहां डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा, 12, ये तो 12 हो गया, और गुणा में 116 से ही 2/3 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 300, और ये कितना, 48, 2 50,
350 बटे 3, और यार 3 से यहां डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 को यहां मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, 0 20 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहां से आप कहेंगे कि 1400 रुपए में जब आप बेचेंगे उस वस्तु को तो आपको 16 से ही 2/3% का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी होगा। इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से भी करके बता देता हूं। देखिए यहां पर आपको दो स्थितियां बता रहा है, पहला कि 10% की क्या हो रही है, 10% को आपको हो रही है हानि, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 1/10। अब देखिए हानि है ना, ये 10% हानि है तो 10 पर 1 की हानि हुई, तो इसका जो विक्रय मूल्य तो कितना हो गया 9 रुपए, और क्रय मूल्य कितना हो गया 10 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहा है किसको कितने में बेचे, 16 से ही 2/3% लाभ पर। अब 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचेंगे तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखेंगे दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। अब ये देखो लाभ है तो 6 पर 1 का लाभ है तो कितना हो गया विक्रय मूल्य 7, और इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 6। यहां तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि हर एक स्थिति में, अब देखो क्वेश्चन में आप समझिए कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर आप क्रय मूल्य समान कर पाते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर ये क्रय मूल्य 10 रुपए, यहां पर विक्रय मूल्य 9 रुपए जब हानि हो रही थी, यहां पर क्रय मूल्य 6 रुपए और यहां पर विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 रुपए। अब देखो दोनों का क्रय मूल्य तो समान करना है, अगर दोनों का क्रय मूल्य समान करेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस हिसाब से आप इनको बेच रहे होंगे। तो देखिए यहां 10 और 6 इनको आप इक्वल कैसे करें, इसको इक्वल करने के लिए आप काम करते हैं कि इस 6 को यहां गुणा कर देते हैं और इस 10 को इधर गुणा कर देते हैं। देखो गुणा करने पर वैल्यू क्या बनेगी, यहां देखो इस 6 को इस फ्रैक्शन से गुणा करते हैं तो 9 6 54 और 10 6 60, और यहां पर देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा 70 और नीचे कितना बनेगा 60। दोनों का क्रय मूल्य समान हो गया। तो अब यहां से आप देखिए कि क्रय मूल्य 60 रुपए है तो जब हानि हुई तो 54 में बेचा और लाभ हुआ तो कितने में बेचा 70 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हानि पर कितने में बेच रहा है 1080 रुपए में, तो आप यहां 1080 ऊपर लिखेंगे और यहां विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे 54, सॉरी 60 नहीं आएगा, कितना आएगा 54। देखिए यहां 1080 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 54, क्योंकि हानि का तो 54 ही है और आपको विक्रय मूल्य चाहिए क्या 70। अब यहां से आप डिवाइड कर दीजिए, यहां से डिवाइड करेंगे तो देखो किससे कटेगा ये 9 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और यहां आप 54 से पूरा काट दीजिए, ये तो एक बार कट जाएगा और ये कितनी बार 2 बार, तो 20 × 70 कितना हो जाएगा दोस्तों 1400। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यहां पर क्रय मूल्य दोनों का क्या बनाना है समान, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। अगर आप इन दोनों फ्रैक्शन से आप निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, या तो आप 100 मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आई है। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 3% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु को 5608 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर क्रय मूल्य मान लेता हूं, ठीक है। यह कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा कितने परसेंट लाभ पर बेचे, 3% लाभ पे। मतलब ये कह रहा है कि वो पहले 5% हानि पर बेचता है, उसके बाद उसी वस्तु को वो 3% लाभ पर बेचेगा। तो क्रय मूल्य अगर मैंने 100 माना है और वो कह रहा है कि 5% हानि की अपेक्षा अगर वो 5% हानि पर बेचेगा तो 95 रुपए में, और 3% लाभ पर बेचेगा तो वो कितने में बेचेगा दोस्तों 103 रुपए में। अब ये कह रहा है कि जो सौदा हुआ उस सौदे में उस व्यक्ति को कितने रुपए ज्यादा मिले, 5608 रुपए, और यहां यह कह रहा है कि पहले 95 रुपए मिले
फिर 103 रुपए मिले। तो यहां अगर सौदे की बात करें तो यहां पर 95 और 3 कितना हो गया, 8 रुपए का फर्क हो गया। तो इस सौदे में इसने 8 रुपए अधिक प्राप्त किए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने प्राप्त किए, 5608। तो क्वेश्चन कह रहा है 5608 और आप कितना बता देंगे, 8 रुपए, क्योंकि आपको यहां पर कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 8। और कब मिल रहे हैं ये 8 रुपए, जब आपने क्रय मूल्य कितना माना, 100, तो गुणा में आप क्या कर देंगे, 100। तो 8 से आप डिवाइड करिए, 7 0 और 1, और अगर आप इसको गुणा करेंगे तो 70,000 कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो यहां से आपका जो फाइनल आंसर निकल के आने वाला है दोस्तों वो 70,100 रुपए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप सोल्व करते चले। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपए, मतलब 4248 रुपए ज्यादा में बेचता है तो 13% का लाभ होता है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिये दोस्तों बिल्कुल वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7% लाभ पर बेचता है तो आप क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे दोस्तों, 100 रुपए। और अगर वो 7% लाभ पर बेचेगा तो 7% लाभ पर वो कितने में बेचेगा दोस्तों, 107 रुपए में। ठीक है, फिर वो ज्यादा प्राप्त होता है 4248 रुपए, और ये कब ज्यादा प्राप्त होगा, जब उसी वस्तु का आप कितने परसेंट लाभ पर बेचेंगे, 13% लाभ पे। तो 100 की वस्तु को 13% लाभ पर आप बेचेंगे तो सीधी सी बात है 113 में बेचने वाले हैं, पहले 107 में बेचा फिर 113 में बेचा, तो कितने रुपए ज्यादा मिले दोस्तों, 6 रुपए। कब, जब मैंने क्रय मूल्य कितना माना, 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4248 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, आप बता रहे हो 6 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, और क्रय मूल्य आपने कितना मान के चला है, 100। अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 बार तो ये चल जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 बार, और 708 को आप 100 से गुणा करेंगे तो 70,000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपए। तो 70,800 रुपए आपका क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य। तो उम्मीद है बिल्कुल सेम क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, हर एक टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारे से सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूं, बस बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक व्यक्ति एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उससे वो 10% कम में खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ी सी चेंजिंग की है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पटवार और रीट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो चलिए, यह कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा, तो मैंने यहां क्रय मूल्य मान लिया और यहां पर मान लिया मैंने दोस्तों विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100। अब इसने कहा कि वो 20% लाभ पर बेचता है, अगर 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 120 रुपए में। ठीक है, अब 10% कम में खरीदेगा, अब उसी वस्तु को कितने रुपए, 10 रुपए, 10% कम में, तो पहले 90 में खरीदा था, अगर वो 10% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा दोस्तों, 90 रुपए पे। अब वो कह रहा है कि 18 रुपए कम में बेचे तो उसको 30% का क्या हो, लाभ, मतलब जो पहले सौदा हुआ है उस सौदे से 18 रुपए कम में बेच रहा है तो 30% का लाभ होगा। तो 30% का लाभ किस पे होगा, 90 पे। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि क्रय मूल्य आपने 100 माना, इसने 20% लाभ पर बेचा तो 120 में बेच दिया, फिर 10% कम में खरीदा तो 90 में खरीद लिया, अब 90 में खरीदकर उसको क्या मिल रहा है, 30% का लाभ। अब आप यहां पर क्या गलती कर जाते हैं कि देखो जैसे अपन 100 पर बात करते हैं तो 100 पर आप सीधा प्रतिशत जोड़ देते हैं, 100 पर आप सीधा प्रतिशत घटा देते हैं, लेकिन दोस्तों 100 के अलावा आपको लाभ या हानि निकालनी हो तो कैलकुलेशन सीधा जोड़ के या घटा के नहीं कर सकते। अगर आप यहां 90 पर 30% का लाभ निकाल के 120 लिखेंगे तो वो सरासरी क्या होगा, गलत होगा। इसका निकालने का तरीका कैसे होगा दोस्तों कि आप 90 पर 30% का लाभ चाहते हो तो 90 पर 30% का लाभ मतलब 100 में जोड़ के लिखेंगे, 130/100,
तो यहां से कैलकुलेट होके कितना आने वाला है, 117 रुपए। तो दोस्तों अगर 90 रुपए पर वो 30% का लाभ प्राप्त करता है तो कितने में बेचेगा, 117 रुपए में। अब देखो पहला सौदा हुआ 120 का, फिर दूसरा सौदा हुआ 117 का, तो पहले से इसने कितने रुपए कम में बेचा, 3 रुपए कम में, और क्वेश्चन कितना बता रहा है 18, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 कम में बेच रहा है तो अपन बता रहे हैं 3 में। और क्रय मूल्य देखो प्रारंभिक क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 100, अगर ये वो अंतिम क्रय मूल्य की बात करता है तो कितना लिखते हैं अपन 90। तो फिलहाल ये प्रारंभिक क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माना है 100। आप डिवाइड कर दीजिए, आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा दोस्तों, 600 रुपए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिए कि पहले वो 800 रुपए में बेचता है, ठीक है, और बाद में वो उसको कितने रुपए में बेचता है, 275 रुपए में। जब वो 800 रुपए में बेचता है तो उसको क्या मिलता है दोस्तों, लाभ, और जब वो 275 में बेचता है तो उसको क्या मिलती है, हानि। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एक शर्त इसने रखी है कि जो मिलने वाला लाभ है वो उस हानि का कितना गुना है, 20 गुना है। मिलने वाला लाभ उस हानि का 20 गुना है, तो ऐसी स्थिति में 20% लाभ कमाने के लिए आपको वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखो आराम से अपन चीज को सोल्व करते हैं। एक बात आप समझिए दोस्तों, अगर मैं इस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मानता हूं, ठीक है, और सीपी पर आपको लाभ होता है, मैं क्या मान रहा हूं, लाभ, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ऑब्वियसली क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा। तो सीधी सी बात है कि 800 रुपए में बेचा तो इसको इतने रुपए का क्या हुआ, लाभ। अगर वस्तु को बेच रहे हैं और हानि मिल रही है तो सीधी सी बात है क्रय मूल्य से वो हानि क्या होगी, कम होगी। तो हानि कब मिली, जब 275 रुपए में वस्तु को बेचा। अब देखो क्वेश्चन को मैं यही रिपीट कर रहा हूं कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का कितना गुना है, 20 गुना है। कौन गुना है, लाभ गुना है, किसका, हानि का। तो हानि को मैं 800 रुपए मान लूं तो लाभ कितना हो जाएगा, 20 गुना का, मतलब क्या हो गया दोस्तों, 20x, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों मूल्यों के बीच की बात करूं, इन दोनों मूल्यों के बीच का फर्क कितना है, देखो 20x तो यह है और अक्ष ये है, तो कितना अक्ष हो गया दोस्तों, 21 अक्ष। और अगर अपन इन संख्या में इन दोनों के बीच की बात करें तो 800 माइनस कितना हो जाएगा, 275, ठीक है। अब आप देखिए यहां 21 अक्ष बराबर अगर 800 माइनस 275 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600, तो वो वैसे हो जाएगा और ये हो जाएगा 525। अब 21 अक्ष बराबर 525 होगा तो यहां से देखिए अक्ष बराबर आप 525 में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 21 का, और 21 का भाग कितनी बार जाएगा, यहां दो बार चला गया 42, 42 से कितना आएगा, 10 और 5, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो यहां अक्ष की वैल्यू कितनी हो गई, 25। अब दोस्तों अपने को कहा है कि जो भी क्रय मूल्य होगा उस पर कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए आपको, 20% का लाभ। तो x बराबर 25 है और अगर मैं इस 275 में ये x की वैल्यू जोड़ देता हूं तो क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। या आप 800 में से 20x घटा दो, 800 में से या तो 20x घटा दो या इस 275 में क्या जोड़ दो, x जोड़ दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। 275 में मैं 25 जोड़ूंगा तो यहां क्रय मूल्य निकल के कितना आएगा दोस्तों, 300। और 300 पर आपको कितना परसेंट का लाभ चाहिए, 20% का, तो 20% का लाभ निकालेंगे तो 120/100, यहां से 20 से 20 कैंसिल हो गया, 36 और 1 0।
तो 20% लाभ पर बेचने में आपको कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों, 360 रुपए में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सोल्व कर लेंगे उम्मीद है मेरे को। अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर मिलने वाला लाभ उस पर मिलने वाली हानि के समान है। जब उस वस्तु को 320 रुपए में बेचा गया तो 30% का लाभ पर कितने में बेचा जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि 1460 रुपए में बेचा तो उसको लाभ हुआ, तो ये मान लेते हैं लाभ हो गया, और उसको 320 रुपए में बेचा जा रहा है, 320 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब लाभ और हानि में इसने क्या रिलेशन दिया है कि वस्तु पर मिलने वाला लाभ उस पर मिलने वाली हानि के क्या है, समान है। अगर मैं 100 रुपए लाभ मानता हूं तो 100 रुपए क्या होगी, हानि होगी, यही कहना चाहता है। अब देखिए अपन क्रय मूल्य, पहले तो इनके बीच का फर्क देखते हैं। तो इनके बीच का फर्क देखो, 100 रुपए तो ये हो गया, 100 रुपए ये हो गया, तो ये तो कितना हो गया दोस्तों, 2x रुपए, और 320 ये है, 1460 ये है। आप 1460 में से 320 घटा के देखो, 1400 में से 300 घटाओगे, 1160 में से 20 घटाओगे तो 40, तो आप यहां लिखेंगे 1140। अब 1140 2x बराबर है तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 times 7 और 0, 570 रुपए होगा। अब आप या तो इससे 570 रुपए घटा दो या इसमें 570 रुपए जोड़ दो, तो आपको क्रय मूल्य कितना मिलेगा दोस्तों, आप 320 में मान लेते हैं कि 570 रुपए जोड़ रहे हैं, तो 320 और 570 कितने होंगे दोस्तों, 3800 और 800 कितना हो जाएगा, 90 रुपए, 890 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, 30% का लाभ, तो 890 पर आप 30% का लाभ निकालेंगे तो 130/100 कर दीजिएगा। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 89 × 13, मतलब 89 को आप 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 9 कितना होता है, 117, फिर 8 कितना होता है, 104, 104 और 11 कितना हो जाएगा, 115। तो आप यहां पर इसको कितने रुपए में बेचेंगे, 1157 रुपए में। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन में एक जैसे करवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इनकी संभावना भी बहुत बार होती है एग्जाम में आने के लिए, तो आपके कंसेप्ट और तरीका आपका बढ़िया तैयार हो जाना चाहिए दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचकर मिलने वाले हानि से 11 से ही 1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो चेंजिंग क्या है कि यहां पे जो मैं इनके लाभ और हानि के बीच रिलेशन बता रहा हूं वो 11 से 1/9% है, और ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अपन इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी है, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 717 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर लाभ हो रहा है और उसी वस्तु को 527 में बेचने पर क्या मिल रही है, हानि। तो देखिए, मैं क्रय मूल्य यह मान लेता हूं, ये क्रय मूल्य हो गया, इसको बेचा कितने में, 717 रुपए में, तो यहां पर क्या हुआ, लाभ। फिर इसको बेचा किस पर, 527 रुपए पर, 527 पर बेचा तो इसको क्या हो गई दोस्तों, हानि। अब दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर मिलने वाले हानि से कितना ज्यादा है, 11 से ही 1/9। कौन ज्यादा है, लाभ ज्यादा है, किससे, हानि से, हानि से ज्यादा है,
तो 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 1/9। आप इस चीज को समझिएगा कि ये 11 से ही 1/9% ज्यादा है। ज्यादा है कौन, लाभ ज्यादा है। किससे ज्यादा है, हानि से। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/9। अगर हानि 9 है तो इस 9 से 1 ज्यादा कौन है, लाभ है। अगर 9 हानि है, 9 लॉस है, तो इस 9 पर 1 ज्यादा है कौन, लाभ। तो यहां पर 9 से 1 ज्यादा हुआ तो कितना हो गया, 10। तो 10 क्या बन गया दोस्तों, प्रॉफिट। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूं इस चीज को कि 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। अब इस 11 से ही 1/9% क्या है, ये ज्यादा है वैल्यू किससे, हानि से, और ज्यादा कौन है, लाभ। तो 11 से 1/9 का मतलब हो गया 1/9। अगर हानि 9 है तो यहां पर 9 पर 1 ज्यादा क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहां पर 9 है तो यहां पर 1 ज्यादा होकर प्रॉफिट कितना बन गया दोस्तों, 10। तो यहां पर लाभ तो 10 निकल के आया और हानि कितनी आई, 9। मतलब अगर आप ऐसा देखना चाहें तो लॉस और प्रॉफिट का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, 9:10 में। तो यहां लाभ हो रहा है और यहां क्या हो रही है, हानि। तो मैं लाभ को, लाभ कितना है, 10, तो लाभ को कितना अक्ष मान लेता हूं दोस्तों, 10 अक्ष। तो हानि कितनी हो जाएगी, 9 अक्ष। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, केवल ये लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रही थी और इस लैंग्वेज को आपने अच्छे से समझा है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर देखो, तो ये तो 9 अक्ष बनता है और ये 10 अक्ष बनता है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 19 अक्ष, ठीक है। अब 717 में से 527 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 7 से 0 हो जाएगा और 71 में 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 10, 18, 1, 19, ठीक है। अब अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 19 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। मेरे को क्या चाहिए यहां पे, 10% का लाभ, तो उसके पहले क्रय मूल्य चाहिए। तो अक्ष की वैल्यू 10 आ गई तो यह तो 9 अक्ष है और ये कितना है, 10 अक्ष है। तो या तो 10 अक्ष इसमें से घटा दो या 9 अक्ष इसमें जोड़ दो, तो 527 में मैं 9 अक्ष जोड़ देता हूं। तो अक्ष की वैल्यू 10 हो गई तो 9 अक्ष का मतलब कितना हो गया, 90। तो 527 में क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, 527 में आप 90 जोड़ देंगे। 527 में आप क्या कर देंगे, 90 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 90 जोड़ते हो तो आपको कितना मिलेगा, 617। तो क्रय मूल्य 617 हो गया। अब इस पर 10% का लाभ चाहिए, तो 617 पर 10% का लाभ का मतलब 110/100 हो गया। आप यहां से 0 से 0 कैंसिल करिए और मल्टीप्लाई करिए, देखो यह। तो यहां आंसर क्या बनेगा दोस्तों, कि आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लिख देंगे 678.7। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 1200 रुपए कम में खरीदा होता और 1200 रुपए कम में ही बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही कंसेप्ट पूर्ण क्वेश्चन है। अपन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी देखेंगे और इसके प्रोसेस से भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो मैं यहां पर क्रय मूल्य 100 मान लेता हूं और यहां 20% का लाभ पर आप बेचेंगे। अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे दोस्तों, 120 रुपए में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको 1200 रुपए कम में खरीदे और 1200 कम में बेचे, तो आप एक दिमाग लगा रहे होंगे कि सर अगर मैं 100 में से 1200 कम करूं तो क्वेश्चन तो किस में चला जाएगा, माइनस में, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए यहां पर या तो आपको अक्ष मानना होता है, और अक्ष मानते ही आपका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आप इसको क्या मान के चले दोस्तों, कि मैं क्रय मूल्य को 100% मान लेता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जब आप 1200 इसमें से माइनस कर रहे हो और 1200 इसमें से माइनस कर रहे हो तो आपके सामने माइनस की कोई वैल्यू नहीं आए। इसके लिए मैंने क्रय मूल्य को कितना माना, 100%,
और विक्रय मूल्य को कितना माना, जब 20% लाभ हुआ तो कितना हो गया 120%। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्रय मूल्य को 1200 कम करो और विक्रय मूल्य को भी 1200 कम करो। तो मैंने यहां पर कर दिया कि देखो 100% क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य में से मैंने क्या घटा दिया 1200 रुपए, ठीक है, और 120% विक्रय मूल्य था तो इसमें से भी मैंने क्या कम कर दिया 1200 रुपए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से उसने 1200 रुपए कम करवाए हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि इस पर 5% लाभ अतिरिक्त मिला। मतलब पहले यहां की स्थिति देखें तो यहां की स्थिति में तो 20% लाभ है और अब दोनों में से 1200 रुपए कम कर देंगे तो इनके बीच 5% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मतलब 20 से वो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 25%, ठीक है, 20 से कितना परसेंट हो जाएगा 25%। तो देखिए ये 1200 रुपए कम किया तो क्रय मूल्य ये बना और 1200 रुपए कम किया तो विक्रय मूल्य यह बना और इनके बीच का जो रिलेशन है वो कितना प्रतिशत आ रहा है दोस्तों, 25%। तो आप यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि 100% माइनस 1200 मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर अगर मैं 25% का लाभ निकालूंगा तो आप क्या लिखेंगे 125/100। भाई 100% माइनस 1200 क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य गुणा 100+ लाभ/100 और बराबर क्या रहेगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना आ गया 120% माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 रुपए, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, सोल्व करने के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, 125 को 25 से डिवाइड किया 5 और यहां पर कितना आ जाएगा 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार तो इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 अंदर होगा तो 500% से गुणा होगा तो कितना प्रतिशत बनाएगा दोस्तों 500%, और 1200 अगर 5 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा 6000, फिर ये 120 जब 4 से होगा तो 4 × 48 तो 480% हो गया, और फिर 1200 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4800 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों प्रतिशत वैल्यू को अलग ले आओ तो 480% को आप इधर लेके आएंगे तो होगा किसका माइनस का, और 500 प्लस का बेटा है तो कितना बच जाएगा 20%, ठीक है। अब 6000 वहां जाएगा तो 6000 इधर माइनस का है, उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का बनेगा, और माइनस का 4800 रुपए ऑलरेडी यहां पर है तो प्लस का 6000 माइनस का 4800 रुपए कितना बनेगा दोस्तों 1200 रुपए। तो 20% बराबर 1200 हो गया। अगर आप इसमें इसका 100% निकाले, 20% बराबर कितना है 1200, अगर आप यहां 100% आप निकालेंगे तो 1% की वैल्यू तो बनेगी 1200/20 और 100% की बनेगी कितनी गुणा 100, ठीक है, और यहां से आप डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6000 रुपए। तो यहां से आपका जो क्रय मूल्य निकल के आने वाला है दोस्तों वो कितना आएगा 6000 रुपए। एक बार वापस इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं कि ये कह रहा है कि क्रय मूल्य को किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा और दोनों में से फिर 1200 कम कर दिया, तो मैंने 100% माना ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। तो क्रय मूल्य मैंने 100% माना, 20% का लाभ लिया तो 120% में बेचा, फिर मैंने क्रय मूल्य में से 1200 रुपए माइनस किए, फिर विक्रय मूल्य में से मैंने 1200 रुपए माइनस किए, ऐसा करने पर 5% लाभ बढ़ गया तो पहले 20% था अब 25% हो गया, फिर क्रय मूल्य पर मैंने 25% लाभ निकाल के किसके बराबर रख दिया विक्रय मूल्य के बराबर, फिर यहां से मिनिमाइज कर दिया तो यहां देखो 25 से कट गया ऊपर 5 और नीचे 4, फिर 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, देखो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 अगर अंदर की तरफ गुणा होगा तो ये 500% बनाएगा, और 5 1200 से गुणा होगा तो 6000 बनाएगा, फिर 4 120 से गुणा होगा तो 480% बनाएगा, और फिर 4 1200 से गुणा होगा तो 4800 बनाएगा। फिर मैंने प्रतिशत को अलग कर दिया और संख्या को अलग कर दिया तो 480 को मैं इधर लेके आया तो 20% बन गया, और 6000 को मैं वहां लेके गया तो कितना बच गया 1200 रुपए। अब 20% बराबर 1200 है लेकिन मेरे को तो 100% का मान चाहिए ना, क्योंकि क्रय मूल्य मैंने कितना माना है
100%, तो 20% बराबर 1200, तो 100% की जब मैंने वैल्यू निकाली तो 1200 बटे 20 गुना 100, और यहां क्रय मूल्य कितना आ गया 6000 रुपए। तो दोस्तों प्रोसेस से आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बेस्ट तरीका और भी है कि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे दोस्तों, अपन इसको क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार, कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर 4000 रुपए है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन में मान लेता हूं 6000 रुपए, ठीक है। अब आप यहां से समझिए कि मैं डायरेक्ट दूसरे ऑप्शन को उठा लेता हूं, आप वन बाय वन एक एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब सीधे ही आंसर को ही ले लेता हूं और उससे आपको सेटिस्फाई करके बता देता हूं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है 6000, ऑप्शन में है, तो मैंने 6000 माना, तो इसके अनुसार विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप इस पर 120% 120/100 20% का लाभ कमाएंगे, तो कितना हो गया 12 गुना 6 कितना होता है 7200। तो आप क्रय मूल्य तो 6000 रुपए माने, तो इसके अकॉर्डिंग 20% लाभ से विक्रय मूल्य कितना बन गया 7200 रुपए। अब क्वेश्चन ने कहा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 1200 रुपए कम कर दो, अगर मैं यहां से 1200 रुपए कम करूंगा तो कितना आएगा 4800, और यहां से 1200 कम करूंगा तो कितना आएगा 6000। अब इनके बीच प्रतिशत लाभ निकालता हूं, अगर मेरे को इनके बीच प्रतिशत लाभ 20 तो वो था 5 बढ़ गया 25% मिलता है इनके बीच प्रतिशत लाभ अगर 25% मिलता है तो मेरा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा दोस्तों सही। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है 4800 और यहां पर विक्रय मूल्य कितना है 6000, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ कितने का हो रहा है यहां पे 4800 से 6000 1200 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ दोस्तों 4800 रुपए क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा किया 100 से। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल कर दो, 12 को 48 से कितनी बार डिवाइड करेंगे 4 बार, और 4 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया 25, तो आपका यहां आंसर कितना निकल के आ रहा है 25% लाभ। और अपन यही तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पहले 20% का लाभ और फिर 5 का, तो टोटल कितना हो गया 25, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो अपना आंसर कौन सा बनेगा 6000 रुपए। उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे कुल 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं और प्रोसेस से, मैं यहां से प्रोसेस से बता दूंगा, इसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप ऑप्शन में रखकर सेट करके आंसर निकालने की कोशिश करना। तो चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो मैंने यहां क्रय मूल्य और यहां विक्रय मूल्य, मैंने क्रय मूल्य कितना परसेंट माना दोस्तों 100%, अगर 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा 120%। अब यह कह रहा है कि अगर उसने कुल 600 रुपए कम में खरीदा, कितने रुपए कम में 600 रुपए कम में, तो 600 रुपए आप कम कर दो, 100% माइनस कितना हो जाएगा 600 तो 600 रुपए कम में आपने खरीद लिया, फिर 400 रुपए कम में बेचा, तो 400 रुपए कम में बेच दो दोस्तों, ये 120 था, आपने यहां से 400 रुपए कम कर दिया, तो ये विक्रय मूल्य आपका 120% माइनस 400 हो गया। अब ऐसा करने से कितना अतिरिक्त लाभ मिला 10%, यहां पर 20% था, यहां 10% और मिल गया, तो दोस्तों कितना परसेंट हो गया 30%, कितना परसेंट हो गया दोस्तों 30% हो गया, ठीक है। तो यहां से आप 30% क्या बता रहे हैं लाभ बता रहे हैं। अब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, इनके बीच रिलेशन है 30% लाभ का, तो अगर इनके बीच अपन बनाना चाहें तो देखिए क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100% माइनस 100 और गुणा 130/100, इस पर 30% का लाभ निकालेंगे,
तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, विक्रय मूल्य के बराबर। वो कितना हो जाएगा, 120% माइनस 400। अब यहां से सोल्व कर दीजिए, देखो जीरो से जीरो, 13 को अंदर गुणा कर दीजिए, ये 1300% हो जाएंगे, और 13 अगर 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 7800 रुपए, और 10 इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200%, और 10 उससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। अब 1200% को आप यहां लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100%, और 7800 उधर जाएगा तो किसका बनेगा, प्लस का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3800 रुपए। और अपने को 100% का ही तो आंसर चाहिए, तो 100% का आंसर अपना कितना होगा, 3800 रुपए। तो सीधी सी बात है, यहां से अपना जो आंसर होगा वो 3800 रुपए होगा, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आगे वाले कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।